मौजूद हूँ बहरिया टाउन के मेन गेट पे। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि मेन गेट है और मेन गेट के मैं इस वक्त यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हूँ और मेरे सामने यहाँ पर EP1 है। ये इजिप्शियन यानी कि इजिप्ट के तर्ज पे जो इजिप्ट जितने भी इजिप्शियन वगैरह में जो इजिप्ट में चीज़ें थीं उसके तर्ज पे जो है ये बनाया गया है शाहकार। यहाँ पर भी इसी तरीके से मौजूद है और बिल्कुल मेरे अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो राइट साइड पर आपको कैमरा मैन दिखाई दे, राइट साइड पर भी सेम तर्ज पे मौजूद है। ग्रीनरी के ऊपर बड़ी जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी है, उस पर फोकस ज़्यादा है तो आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। यहाँ पर बिल्कुल मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर जब आप सीधा जाएंगे, आप जैसे ही एंटर होते हैं आपको सीधा मेन जिना एवेन्यू मिलता है, वहाँ से आपको तौहीद स्क्वायर मिलता है और आप सीधा चले जाते हैं तो आपको मेन जिना एवेन्यू का ये रास्ता बिल्कुल स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अमूमन आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स देखी होंगी, बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी होंगी क्योंकि ये एक स्पॉट जो है वो बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट है। वहाँ पर वाटरफॉल भी होता है जो कि अभी बंद हुआ हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइट्स वगैरह हैं, यहाँ पर बकायदा इतने लोग आते हैं फिर भी यहाँ पे सफाई का बकायदा जो है वो ख्याल रखा गया है। बिल्कुल मैं इस पर ही जब चल रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मुझे सामने बस स्टॉप मिल जाती है। तो वो जो EV बस आती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पे आपको ड्रॉप करती है, यहीं से आप पिक भी हो सकते हैं। तो इतना ईजी है बहरिया आना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहरिया तो बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। EV में बैठ कर आएँ, 100 रुपये किराया दें और आके बहरिया एक्सप्लोर करें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो बहरिया के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल सामने आपको बैंक्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे तमाम बैंक्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ ATM की सहूलियात भी मौजूद हैं। वैसे तो बहरिया में हर पॉइंट के ऊपर ATM की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तमाम बैंक्स एक साथ दिख जाएंगे अंडर वन रूफ। और ये व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहरिया टाउन स्कूल एंड कॉलेज मौजूद है। ये प्री प्राइमरी कैंपस 2 है जो कि प्रिसन 1 में वाकया है। इसके बिल्कुल साथ अगर आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे चाइनीज़ फूड खाने के लिए, यानी कि आपको जिनसर, ठीक है। उसके बिल्कुल हम साथ आ जाते हैं, निकलते हैं और निकलने के साथ फिर हमें मिलता है इसके बराबर में बहरिया कैंप और फिर उसके बराबर में हमें मिल जाता है स्कूल। खाया था प्रिसन 1 का अपना मेन पार्क, इसके अलावा भी यहाँ पर छोटे छोटे मिनी पार्क्स मौजूद हैं, यानी कि हर प्रिसन हर स्ट्रीट के जो है मतलब हर स्ट्रीट का अपना अपना एक पार्क भी छोटा सा मौजूद है। और ये बहरिया की जो सबसे ख़ास बात, जो सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ की मस्जिद जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो ये आगे प्रिसन 1 की मस्जिद यानी कि मस्जिद आशिक, तो यहाँ पे मस्जिद आशिक मौजूद, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मस्जिद है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत व्यू है। हम चाहेंगे कि हम आपको एक इसका एक क्लियर व्यू भी दें। तो ये व्यूअर्स आपके सामने इस वक्त मौजूद है BRE यानी कि बहरिया रेजिडेंस स्टेट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रिसन 1 के स्लॉटर हाउस पर। इससे पहले भी आप हमारी एक वीडियो देख चुके हैं स्लॉटर हाउस के हवाले से। तो बहरिया की सबसे जो अच्छी मुझे बात लगती है वो उनके स्लॉटर हाउसेज हैं। तो जो यहाँ पर इसके स्लॉटर हाउस अंदर से किस तरीके से एक्सप्लोर कर चुके हैं हम, बिल्कुल सेम पैटर्न पर यह स्लॉटर हाउस भी बना हुआ है। तो ये प्रिसन 1 का स्लॉटर हाउस है जो मस्जिद आशिक के बिल्कुल सामने बना हुआ है। मस्जिद आशिक से आप बिल्कुल सामने आएंगे, सामने वाले रोड से सीधा आप यहाँ पर पहुँचेंगे, स्ट्रीट 9 ये जा रही है, ठीक है। और स्ट्रीट 9 से निकलने के बाद सामने बिल्कुल आपको स्लॉटर हाउस मिलेगा। तो व्यूअर्स
फ्लावर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे सामने चीकू का पेड़ मौजूद है, जो है उसका प्लांट मौजूद है। बहरिया में जितने भी लोग आ चुके हैं जो वाकफियत रखते हैं बहरिया से, वो ज़रूर जानते होंगे कि हर पर्सन में बहरिया ने अपने गार्डनिंग की हुई है, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज पोल्स हैं, पोल्स बने हुए हैं, जिसकी बायस वो ये जगह जो है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए उन्होंने कोई जगह को बिल्कुल भी वेस्टेज में नहीं डाला हुआ, उस जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए इन्होंने यहाँ पर गार्डनिंग की हुई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त फ्रेश जो है वो चीकू मौजूद है, जो कि बहरिया अपने रेजिडेंट्स को सेल भी करता है। ये सारे जितने भी यहाँ पर गार्डनिंग हुई है, यहाँ से जो वेजिटेबल्स या जहाँ यहाँ से जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो यहाँ से ये निकालते हैं, और ऑर्गेनिक जो है वो यहाँ के रेजिडेंट्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दी जाती हैं। तो ये देखेंगे इन्होंने अपनी माशाल्लाह से जो है वो प्रोडक्शन की है, यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी बड़ी जो है वो फोकियत दी हुई है। बहरिया हर तरीके से हर चीज़ का इस तरीके से ख्याल रखता है। बिल्कुल इसी के सामने आपको अभी मैं जो स्लॉटर हाउस दिखाया है, इसके बिल्कुल सामने स्लॉटर हाउस बना हुआ है। आइए मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ प्रसन्न वन के स्कूल फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल रूट्स मिलेनियम पे, और आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल मौजूद है, यहाँ पर कैम्ब्रिज सिस्टम मौजूद है, और अब आप सोच सकते हैं ऐसे स्कूल से क्या प्रोडक्ट्स बनके निकलती होंगी। तो ये यहाँ पर माशाल्लाह से इस तरह से अभी आपने बहरिया का अपना स्कूल देखा, अब ये एक इनका प्राइवेट स्कूल है, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल रूट्स मिलेनियम प्रिसन वन में वाक़ है। बिल्कुल अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम देखें इस तरीके से जारी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मौजूद है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप जहाँ देख सकेंगे कंस्ट्रक्शन हो रही है। जबकि प्रिसन वन यहाँ का सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे पूरा डेवलप्ड है, मज़ीद डेवलपिंग जो है वो जारी है। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा प्रिसन वन का जो हमने आपको ओवरव्यू दिया, हमने आपको अपडेट दी कि प्रिसन वन कितना डेवलप हो चुका है और प्रिसन वन में कितनी डेवलपिंग जारी है। हमने आपको जितना हम आपके लिए कवर कर सकते थे हमने हर मुमकिन कोशिश करके जो है वो आपके लिए प्रिसन वन कवर किया है। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, बाकी प्रिसन टू, प्रिसन थ्री, प्रिसन फोर, इस तरह के प्रिसन की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या यहाँ पर वर्थ इट है आपके इन्वेस्टमेंट, ये फैसला आप करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।